फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम सोगज। आज की जो मेरी वीडियो है वो है 12th सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का चैप्टर नंबर जो 3 है। हमारी जो बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग 2, उस बुक का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है नियोजित विकास। सो इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर हम करने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। और साथ ही साथ गाइस, ये जो है वही वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जहाँ से आप लोगों के एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं। सो अच्छे से आप इन सभी एमसीक्यूज क्वेश्चन के लिए जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है इनको प्रिपेयर करें। साथ ही साथ गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने अपना जो है 12th पॉलिटिकल साइंस का न्यू जो आपका पेपर का पैटर्न है वो नहीं देखा है सेशन 2022 के अकॉर्डिंग, सो सेशन 2022 के अकॉर्डिंग आपके पेपर का न्यू पैटर्न रिलीज कर दिया है सीबीएसई ने। तो एक वीडियो में मैंने आपको समझाया था सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो के, अभी आपका जो सिलेबस पर कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है, साथ ही साथ क्या वेटेज रहेगी, हर एक चैप्टर में से आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अपना पेपर को 2 टर्म्स में डिवाइड किया है। इफ़ वी टॉक अबाउट टर्म 1, तो टर्म 1 आपका टोटली एमसीक्यूज बेस्ड होगा और टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव होगा। सो गाइस, ये चैप्टर की हम बात करें नियोजित विकास, तो ये आपका टर्म 1 के अंदर ही इंक्लूड है और यहाँ से आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन बनेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। आने वाली नेक्स्ट जो वीडियो होंगी 2, उसमें हम इसके डायरेक्ट एमसीक्यूज किस तरीके से आएंगे वो डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस आप एक बार देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर, वहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपका पेपर का भी क्या पैटर्न है और क्या क्या आपके चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, क्या वेटेज है। तो सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और गाइस, बात करूँ इससे पिछले जो हमारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, कोल्ड वॉर एरा वगैरह, ये जो है हमारे चैप्टर्स हैं ये मैं ऑलरेडी आपके करा चुकी हूँ, जो आपकी पहली इससे पहली जो आपकी बुक है, तो वो सभी भी मैंने इसी तरीके से कराए थे। जो जो चैप्टर आपके अभी टर्म 1 में आने वाले हैं उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और उसके डायरेक्ट एमसीक्यूज, तो हर एक चैप्टर की 3-3 वीडियोज आपको मिलेंगी। सारी की सारी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो आप एक बार देख लेना। और इससे पिछला जो हमारा चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, वो भी मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, तो वो भी आप देख लेना, उसके भी 3 पार्ट आपको मिलेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपके पास आने वाली सभी वीडियोस एकदम से टाइम से पहुंच जाएं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बोलती हूँ गाइस, कि अगर आपको किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, समझने हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। तो आपको हमारे चैनल पर सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, हमने सारे के सारा कोर्स आपका कंप्लीट कराया हुआ है, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। तो पूरे लेक्चर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं जिनसे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और अगर आप एक बार उनको सुनते हो तो उससे आपके एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इजी और स्मूथ हो जाएंगे। चलेगा, शुरू कर लेते हैं नियोजित विकास जो है हमारा चैप्टर नंबर 3, अति लघु प्रश्न जो है हमारे। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, के नियोजित विकास की राजनीति से क्या अभिप्राय है। तो देखो, नियोजित विकास की जो राजनीति है उसका क्या अर्थ है। तो देखो, राज्यों के विकास से जुड़ी वे नीतियाँ और कार्यक्रम जो नियोजित ढंग से सरकार द्वारा बनाए व नियंत्रित किए जाएं। मतलब देखो, नियोजित जो विकास है उसकी जो राजनीति, वो राजनीति होती है जो बनाता कौन है। तो सरकार बनाती है इन नीतियों को, सरकार बनाती है, और किस लिए बनाती है, ताकि राज्यों का जो विकास है, विकास जो है वो सही तरीके से हो जाए, एकदम नियोजित और मतलब सिस्टमैटिक तरीके से हो जाए। तो ये वे नीतियाँ होती है, वे कार्यक्रम होती है जो सरकार इसलिए बनाती है ताकि जो राज्यों का विकास है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से और नियोजित ढंग से हो जाए, तो इसको नियोजित विकास की राजनीति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस हम लोगों का, श्वेत क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो श्वेत क्रांति, देखो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, श्वेत का जो अर्थ है यहाँ पर दूध क्रांति, मतलब दूध के नाम से यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। तो अधिक दूध तथा उस पर आधारित श्वेत वस्तुओं के उत्पादन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूध और जितनी भी दूध से निर्मित वस्तुएँ होती हैं, जैसे कि मक्खन हो गया, दही हो गया, पनीर, तो इनमें बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी करना श्वेत क्रांति कहलाता है। और मान लो दूध है, दूध से निर्मित जितनी भी वस्तुएं होती हैं, दही, मक्खन, पनीर, है ना, छाछ, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो इनमें जब हम बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी करते हैं, इनमें जो हम ग्रोथ लाते हैं, तो इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ोतरी करने को कहते हैं श्वेत क्रांति। कहते हैं कि क्रांति आ गई इस चीज़ की। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए गाइस, मूव ऑन कर लेते हैं टू दी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस आप लोगों का, पूंजीवाद से क्या अभिप्राय है। पूंजीवाद का क्या अर्थ है, पूंजीवाद का क्या मतलब है, इसका क्या अभिप्राय है। तो पूंजीवाद, जैसे कि नाम में
देश की पूंजी है, तो आप देख सकते हो वह अर्थव्यवस्था जो उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों के आधिपत्य का समर्थन करती है। यानी ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो उत्पादनों के साधनों पर जो पूंजीपति होते हैं ना उनका आधिपत्य, आधिपत्य का मतलब उन पर जो मतलब मालिक रहते हैं उनके, वो तो उसका ये समर्थन करती है पूंजीवाद। ठीक है, चलेगा आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसको भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, एमसीक्यूज आपके डायरेक्ट यहीं से बनेंगे, आप देखिएगा तैयार करिए अच्छे से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके डायरेक्ट एमसीक्यूज भी करवाऊंगी कि किस तरीके से आने वाले हैं, और सभी इंपॉर्टेंट जो वीडियोज हैं इससे पिछले जो चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सीरियल वाइज लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइज आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। मिल्कमैन जैसे कि नाम से स्पष्ट है यानी दूधमैन, मिल्कमैन के नाम से कौन व्यक्ति विख्यात है, कौन व्यक्ति फेमस है, किसको मिल्कमैन कहा जाता है, कोई होता है सुपरमैन, कोई होता है शक्तिमान भी होता है ना, तो मिल्कमैन कौन है, कौन इंसान फेमस है मिल्कमैन के नाम से। तो देखो मिल्कमैन ऑफ इंडिया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो मिल्कमैन है उनकी बात हो रही है, के नाम से विख्यात व्यक्ति का जो नाम है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन वही है जिन्होंने अमूल जो दूध की थाली आती है ना हम लोग घर, अमूल डेयरी का उत्पादन किया था, तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, बहुत ही ख्याति इन्होंने प्राप्त की थी। तो चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं, बाकी कीप स्टडिंग इन पाई स्टडी, हमारे चैनल के थ्रू आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, और साथ ही साथ अगर आपको इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ फाइल चाहिए या फिर इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप आराम से सभी चैप्टर्स के ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ज़रूर उसको ज्वाइन करिएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम लोगों का वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, यहाँ पर बात हो रही है तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य यहाँ पर पूछा जा रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य जो कि 1961 से 66 थी, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता तथा स्वदेशी जो साधन होते हैं ना उनसे औद्योगिकरण में वृद्धि करना था। आपको ध्यान रखना है तीसरी पंचवर्षीय योजना जब बनाई गई तो उसका मेन मोटिव क्या था, मतलब मेन लक्ष्य क्या था, एम क्या था। पहले तो ये चीज़ है कि 1961 से 66 वाली योजना जो थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था जो खाद्यान्न होते हैं उस पर में आत्मनिर्भरता हो, और जो हमारे स्वदेशी साधन होते हैं मतलब खुद के बनाए हुए हमारे देश के अंदर जो बनाए हुए साधन होते हैं उन साधनों से औद्योगिकरण में वृद्धि करना। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस बात को प्राथमिकता दी गई थी, मतलब जो पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी उसमें मेन चीज़ क्या रखी गई थी कि भाई हाँ ये चीज़ हमारी प्राथमिक होनी चाहिए, पहले नंबर पर होनी चाहिए। तो देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56, देखो आपको थोड़ा सा डेट भी याद रखनी है, 1951 से 56 जो अब ये ईयर है ये याद रखोगे, तो इसमें कृषि और सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दी गई थी, मतलब कृषि और जो सिंचाई योजनाएँ थी उनको मेन ये दिया गया था कि भाई पहले नंबर पर ये होने चाहिए। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, उन्नत किस्म के बीजों के विकास का श्रेय प्रमुख रूप से किसे जाता है, कि भाई उन्नत किस्म के बीजों का इन्होंने जो है विकास किया। ठीक है, तो किसको एक क्रेडिट जाता है, उन्नत किस्म के बीजों के विकास का जो श्रेय है यानी जो क्रेडिट है एम एस स्वामीनाथन को जाता है। नाम ध्यान रखेंगे कि भाई हाँ इन्होंने जो है उन्नत किस्म के बीजों का विकास किया था, इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया था, तो जो स्वामी रामानाथन थे उन्होंने दिया, जो नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के निर्देशक थे। तो ये कौन थे, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ना जो कहां पर है, नई दिल्ली में है, ICAR जिसको बोला जाता है, ये उसके निर्देशक थे। चलेगा इस क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है योजना आयोग किसकी अध्यक्षता में कार्य करता है, योजना आयोग की बात चल रही है और कौन इसकी अध्यक्षता करता है। तो देखो योजना आयोग तत्कालीन अध्यक्ष जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है, यानी जो प्रधानमंत्री जिस टाइम के होते हैं उस टाइम पर योजना आयोग प्रधानमंत्री के जो है अध्यक्षता में ही काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस आप लोगों का, क्या जमींदारी उन्मूलन से न्याय का उद्देश्य पूर्णतः समाप्त हो गया है, ये जो जमींदारी उन्मूलन है तो इससे क्या न्याय का जो उद्देश्य है पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो देखो जमींदारी उन्मूलन से न्याय का उद्देश्य पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, ये कदम उन लोगों के लिए हितकर हुआ जिनके पास कम या नहीं के बराबर जमीन थी या उनकी कृषि में भागीदारी कम थी। ठीक है, चलिए गाइस बाकी आपको जो है टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस अगर आपको इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी करनी है, आपको अपना टर्म वाइज इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करना है, MCQs अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, सो फॉर दैट यू कैन ज्वाइन माई अदर चैनल विच नेम इज़ लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, तो वहाँ पर मैं आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ, वहाँ पर आपका जो है टर्म वाइज सिलेबस चल रहा है न्यू सेशन के अकॉर्डिंग और पेपर का पूरा पैटर्न मैंने आपको समझाया हुआ है, तो लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप अपनी
इंग्लिश की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो क्वेश्चन है वो भी मैं काफ़ी अच्छे से वहाँ पर करा रही हूँ और आपका टर्म टू भी वहाँ पर अच्छे से कवर होगा। सो मेक श्योर लर्न इंग्लिश चैनल को ज़रूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस आप लोगों का, विभाजन के कारण यानी विभाजन जब बंटवारा हुआ तो उसकी वजह से किस क्षेत्र को गहरी मार लगी थी। तो देखो विभाजन की वजह से जो कृषि क्षेत्र था, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसको गहरी मार लगी थी जब बंटवारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस आप लोगों का, 1987 से 91 के बीच केरल में कौन सा अभियान चलाया गया। ये बात हो रही है 1987 से 91 के बीच में केरल में कौन सा अभियान चलाया गया। तो देखो 1987 से 91 के बीच में केरल के अंदर विकास और नियोजन के लिए, विकास और नियोजन को ध्यान में रखकर केरल मॉडल नामक अभियान चलाया गया। किस नाम का? केरल मॉडल। तो केरल मॉडल ये अभियान था जो 1987 से 91 के बीच केरल में चलाया गया। चलिए लास्ट और फाइनल क्वेश्चन जो होगा आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वो है नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत कब तक बढ़ी। ये जो नियोजन की प्रक्रिया है इसमें लोगों की बचत कब तक बढ़ी। तो देखो नियोजन की प्रक्रिया में लोगों की बचत तीसरी पंचवर्षीय योजना तक बढ़ी। सो विद दिस वी हैव डन आवर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, यहाँ से आपके एमसीक्यूज बनेंगे ही बनेंगे। सो मेक श्योर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो और फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। इसके अलावा गाइज अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मेरे न्यू जो चैनल है मेरा लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, उसको ज़रूर विजिट करिएगा, वहां पर आप अपना इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बाकी पॉलिटिकल साइंस का पेपर जो अभी न्यू सिलेबस है आपका, क्या पेपर का पैटर्न है, क्या वेटेज है, वो सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ सबसे पहले आप लेक्चर्स अटेंड करिए ताकि आपको पूरा एमसीक्यूज आराम से समझ में आ जाए। इससे पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं हर एक चैप्टर का जो टर्म वाइज मैंने आपको कराया हुआ है, तो उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद एमसीक्यूज के दो दो पार्ट की वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और इससे पिछला चैप्टर की भी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस इसी चैप्टर के हमारे टू पार्ट्स के अंदर मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन कराऊंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी कोई भी डाउट है सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग इन बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।